नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE फैन एडिशन के बारे में। दोस्तों यह है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE और दोस्तों आज मैं आपको इसके कुछ बेस्ट फीचर बताऊंगा जो दोस्तों आपको मैं वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो फ़ोन है ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है और इसमें हमें कुछ अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं जो हमें बाकी फ़ोन में देखने को नहीं मिलते। दोस्तों आज मैं आपको उन्हीं जो फीचर हैं उनके बारे में बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि कौन से वो बेस्ट फीचर हैं जो हमें इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यह है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE फैन एडिशन, ये देखिए मेरे पास दोस्तों इसका क्लाउड नेवी कलर है जो दोस्तों देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। दोस्तों आज मैं आपको इसके कुछ बेस्ट फीचर बताऊँगा जो दोस्तों हमें इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फीचर की बात करें तो वो है दोस्तों इसका IP68 रेटिंग जो कि दोस्तों हमें बाकी फ़ोनों में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों ये सैमसंग के अंदर काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है अगर आप इस फ़ोन को लेते हो तो। अगर आपका फ़ोन बारिश में भीग भी जाता है या फिर दोस्तों अगर आप इसे पानी में कुछ टाइम के लिए डाल भी देते हो बाल्टी वगैरह में गिर भी जाता है तो दोस्तों आपका ये फ़ोन जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसको मैंने टेस्ट भी किया है पानी में डाल के और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगले फीचर की बात करूँ दोस्तों तो वो है दोस्तों इसका कैमरा। दोस्तों इसमें हमें मिलता है 3 कैमरे का सेटअप, 12+12+8। दोस्तों देख रहे हो दोस्तों ये कैमरे जो दोस्तों अगर आप जो देख रहे हो पिक्सल के हिसाब से 12 मेगापिक्सल तो दोस्तों उस हिसाब से काफ़ी छोटे लगते हैं, बट दोस्तों जो कैमरे हैं जो फ्लैगशिप लेवल में आते हैं तो दोस्तों इस पर अच्छी काफ़ी अच्छी वीडियोग्राफी होती है, क्योंकि इससे दोस्तों आप किसी भी तरह की वीडियोग्राफी कर सकते हो और फोटो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे आते हैं। फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका अच्छा बोलूँगा क्योंकि 32 मेगापिक्सल का है जो दोस्तों हमें और भी फोन में देखने को मिलता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करता हूँ तो वो दोस्तों इसका रैम मैनेजमेंट, ये देखिए दोस्तों इसमें इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा रैम मैनेजमेंट मिलता है और बिल्कुल भी लैगिंग देखने को नहीं मिलती। मैं जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ और दोस्तों अगर उसमें 4-5 घंटे बाद ही ओपन करूँगा तो वो वहीं से ओपन होकर आती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो रैम मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन के अंदर और जब बिल्कुल भी लैग नहीं करता और सैमसंग के फ़ोन की तरह है। अगले फीचर की बात करता हूँ दोस्तों तो वो है दोस्तों सेटिंग के अंदर, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने का दोस्तों आपको यहाँ डिस्प्ले पे और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों मोशन स्मूथनेस। दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट जो कि दोस्तों काफ़ी आपके फ़ोन को स्मूथ बना देता है, बट दोस्तों मैं तो नॉर्मल वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे इतना शौक नहीं है, बट दोस्तों इस फ़ोन के अंदर जो फीचर दिया गया है जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा है आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट दोस्तों इससे क्या होता है जब आप इस फीचर को यूज़ करोगे तो आपकी दोस्तों जो बैटरी है वो कुछ टाइम जल्दी कम हो जाएगी क्योंकि ये बैटरी को ज़्यादा लेता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करूँ तो वो दोस्तों उसका कॉल रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम। दोस्तों इस फ़ोन में आप ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्तों इस फ़ोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी और फोन दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं होता, बट दोस्तों आप इस फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसमें तो हमें गूगल का डाटा नहीं मिलता तो आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और दोस्तों सामने वाले बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो दोस्तों ये एक अच्छा फीचर है। दोस्तों अगले फीचर की बात करता हूँ तो दोस्तों उसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने का दोस्तों आपको जाना है एडवांस फीचर में। एडवांस फीचर में आने का दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लिंक टू विंडो। दोस्तों इससे क्या होगा जब आप इसे ऑन कर दोगे दोस्तों आप इस फ़ोन को अपने PC या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो और दोस्तों जो स्क्रीन आपके मोबाइल पर आएगी आप उसे अपने TV या कंप्यूटर में दोस्तों देख सकते हो, यानी दोस्तों आपका मोबाइल एकदम कंप्यूटर की तरह चलेगा। दोस्तों ये इस फ़ोन के अंदर एक अच्छा फीचर दिया गया है जो दोस्तों हमें बाकी और फ़ोन में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों वो काफ़ी महंगे आते हैं सैमसंग की तरफ से, उनमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करूं तो वो दोस्तों इस फ़ोन में हमें मिलता है वायरलेस चार्ज का सपोर्ट। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है 15 या 18 वॉट का। दोस्तों इससे भी आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो और प्लस दोस्तों इसमें आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अगर दोस्तों आपके पास कोई और ऐसा डिवाइस है जो दोस्तों वायरलेस चार्ज को सपोर्ट करता है तो आप उस फ़ोन को या फिर उस चीज़ को आप इस फ़ोन से भी चार्ज कर सकते हो रिवर्स चार्जिंग का यूज करके, जो दोस्तों आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगली फीचर की बात करूं तो वो दोस्तों इस फ़ोन में स्पीकर। दोस्तों इस फ़ोन में हमें डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं, यानी दोस्तों इस फ़ोन में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। दोस्तों एक यहाँ पर है और एक नीचे दिया गया है। दोस्तों इसमें हमें काफ़ी अच्छा साउंड मिलता है अगर आप इस फ़ोन को लेते हो। दोस्तों आपको सॉन्ग सुनने के मामले में या फिर साउंड के मामले में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें मिलता है हमें डुअल स्टीरियो साउंड जो कि दोस्तों हमें बाकी और फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों जो कि दोस्तों हमें इस फ़ोन में देखने को मिलता है।
दोस्तों अगर बिजली बात करूँ तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे फ़ोन में वाईफाई ऑन है, यानी दोस्तों वाईफाई मेरे फ़ोन में ऑन दिया है, ऑन है मैंने कर लिया है। और दोस्तों वाईफाई ऑन होने के बावजूद भी आप अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हो। देखिए मेरे फ़ोन में दोस्तों वाईफाई भी ऑन है और इधर हॉटस्पॉट भी ऑन है। दोस्तों आप जिस फ़ोन से आपका वाईफाई कनेक्ट है आप दोस्तों उसको हॉटस्पॉट द्वारा शेयर भी कर सकते हो। यानी दोस्तों काफ़ी फ़ोनों में आपने देखा होगा कि अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो हॉटस्पॉट ऑन नहीं कर सकते, अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका वाईफाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट दोस्तों इस फ़ोन में हमें दोनों सिस्टम दिए गए हैं, आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, जो कि दोस्तों हर फ़ोन में सिस्टम देखने को नहीं मिलता बट इस फ़ोन में दिया गया है। और भी कई और डिवाइस दोस्तों महंगे वाले उनमें भी दिया जाता है बट दोस्तों इस फ़ोन में भी दिया गया है। और ये डेस्क मोड है दोस्तों, जिसकी बात अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि दोस्तों इसके यूज से आप इसको ऑन करके आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर या अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इसमें वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, जो दोस्तों मैं और भी फ़ोन में देखने को मिल जाता है बट दोस्तों इसमें ही मिल रहा है, तो ये एक अच्छा फीचर है। दोस्तों अगले फीचर की बात करूँ तो वो दोस्तों सेटिंग के अंदर आपको सेटिंग में आना है और एडवांस फीचर में जाना है। एडवांस फीचर में आने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वन हैंड मोड, जो दोस्तों मैंने ऑन कर रखा है। जब आप दोस्तों इसको ऑन करके इस पर जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं, एक जेसर का एक बटन का। तो दोस्तों मैंने बटन वाले का सेलेक्ट किया है, मैं आपको बता दूँ उससे क्या होता है। जब भी दोस्तों आप कहीं ट्रैफिक में जा रहे हो तो दोस्तों आपको जो बटन दो बार दबाना है होम स्क्रीन वाला, दोस्तों आपको फ़ोन देगी दोस्तों आप वन हैंड से इसे यूज कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों इसमें अच्छा ऑप्शन दिया गया है, जिसमें दोस्तों आप डबल टैप करके ये देखिए इसको यूज कर सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि दोस्तों हमें और फोन में देखने को नहीं मिलता इस तरीके से। इसमें दोस्तों आप काफ़ी इजी तरीके से यूज कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं इस फ़ोन के अंदर, और भी काफ़ी सारे फीचर हैं। और दोस्तों इसका आपको कौन सा बेस्ट फीचर लगा इस फ़ोन में आपको, जो दोस्तों मैंने आपको नहीं बता पाया आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ऐसे फीचर होते हैं जो लोग यूज करने के बाद ही पता लगाते हैं, तो मैंने अभी इस फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अगर आपको कोई ऐसा फीचर पता है जो दोस्तों आपने इस वीडियो में नहीं देखा और काफ़ी अच्छा फीचर है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।